एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। एंड जैसा कि आप लोगों ने हमारे थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं फिर से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, जो कि होने वाली ओल्ड थिंग्स के बारे में, जो आज के बंदों को तो बिल्कुल भी नहीं पता। जो समथिंग एक या डेढ़ साल से खेल रहे हैं उनको तो इस बारे में शायद ही पता होगा, बाकी जो पुराने बंदे भाई वो सब तो इन चीज़ों के बारे में जानते ही है। तो चलिए भाई, पुराने बंदों को इस बारे में पता ही है, वो भी अपनी यहाँ तक ताज़े कर लो अगर आप पुराने बंदे हो, बट जो नए बंदे भाई उनको मैं बता देता हूँ ये सारी चीज़ें, जिसको देख के वो शौक हो जाएंगे। चलिए, नए बंदों को तो हम लोग शॉक कर देंगे, बट उससे पहले आप सभी लोगों से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप प्रीफर कितने टाइम से खेल रहे हैं? एक साल, दो साल, तीन साल, जितने भी टाइम से खेल रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि ग्रैंड पर भाई मुझे इतना टाइम हो गया खेलते हुए, कि आप नए प्लेयर हो, कि अभी सीख रहे हो, कि बहुत पुराने प्लेयर हो, मुझे सारी चीज़ें जाननी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एंड हाँ भाई, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद करना भाई आपको चैनल को सब्सक्राइब, और जो राइट साइड में घंटे चाचा उसको दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना भाई, क्योंकि सब्सक्राइब करके भी आपने अगर घंटा नहीं दबाया तो भाई कोई मतलब नहीं, मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास आएगा ही नहीं। और घंटे पर दबाने के बाद ऑल पे सेट कर देना, बस इतना सा काम आपको इस पूरे वीडियो में करना है, ठीक है? और शेयर कर देना अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ, जो नए खेल रहे और जो पुराने खेलने वाले, सबके साथ आप शेयर कर देना भाई। चलिए बताता हूँ मैं आपको वीडियो में जो थर्ड नंबर चीज होने वाली है, कि आप लोगों को पता है जो हम आज का क्लच स्क्वाड खेलते हैं, जो पुराना क्लच स्क्वाड मोड है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ भी, जब नया नया क्लैश स्क्वाड मोड आया था फ्री फायर में, तो आज का और उस टाइम का बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसमें। सभी लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि ग्रैंडपा पागल हो गया, ये इसने ज्यादा चढ़ा रखी है। भाई हम इतने ही पागल नहीं है, हम भी पुराने प्लेयर है, और आप सभी जानते हो भाई कि इतना डिफरेंस नहीं था, मैं मजाक कर रहा था। भाई आप ये सोच रहे हो भाई कि चार की जगह आठ बंदे तो नहीं आते, एट वर्सेस एट तो नहीं होता था। भाई मैं आपको बता देता हूँ पहले के और आज के सीएस में क्या डिफरेंस है। तो करना, जब भी आपने देखा हम जैसे सीएस को स्टार्ट करते तो हम डायरेक्टली हमारे मैच में पहुंच जाते, रेड फोर, हम यहाँ पे खड़े होते, फोर सामने खड़े होते, मैच स्टार्ट हो जाता है काउंटडाउन के बाद। बट पहले ऐसा तो था कि जैसे हमारा फुल मैच का जो लॉबी होता है जिसमें 50 बंदे होते, वैसे ही सेम सीएस में होता था। एंड आप बोर्ड पे नाम भी देख सकते हो कि भाई कि किसके पास कितने बैज है। अब हम सोच रहे हैं भाई ऐसा भी होता था क्या? अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना भाई इस चीज के बारे में कितने लोगों को पता था एंड कितने लोगों को नहीं पता था। एंड यही नहीं, आप मानोगे नहीं, हम लोग तो पता क्या करते थे, सामने वाली टीम से पहले ही टीम अप कर लेते थे एंड पूरे मैच बैठ के भाई मस्तियां करते थे, इमोट वगैरह। एंड मुझे बता देना भाई आप लोगों में से किस किस ने ये चीजें अपने टाइम पे की एंड किसने नहीं। एंड इसी के साथ एक चीज और जो छोटी सी मैं आपको बता दूं सीएस के साथ में, अगर आपने देखा होगा जब भी भाई हमारा जो काउंटडाउन चलता रहता है 10 सेकंड या 15 सेकंड का, जो भी बोलो, आजकल तो भाई एक सर्कल बना दिया रेक्टेंगुलर शेप में, उसमें हम भागो, उस लोग कुछ भी कर सकते हैं। बट पहले के टाइम पे जब नया नया सीएस आया था हमारे गेम में, बट उस वक्त हम एक स्ट्रेट खड़े हो जाते थे पुतले बन के, हम ओनली स्क्रीन को हिला सकते, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे, ना हिल डुल सकते, ना पंच मारना, कुछ भी नहीं कर सकते भाई, अब तुम सोचो। बट अब तो भाई हम कुछ भी कर सकते, भाई रेक्टेंगुलर उसमें घूमते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर भागते रहते हैं वगैरह वगैरह। तो चलिए भाई, आप पता ना आपको ये चीज़ पता थी कि नहीं पता थी? अगर पता थी तो कुछ मत करना भाई, कमेंट में मुझे बता देना, भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जो नंबर टू चीज थी हमारे वीडियो की वो ये रही, क्या आप लोग को पता है कि पहले फ्री फायर में ऐसा सिस्टम था कि अगर सपोज आपने गेम स्टार्ट किया तो 20 मिनट का गेम होता था, उसमें हर 5 मिनट के बाद क्लाइमेट और सारी चीज चेंज होने लगती थी लाइक अ रियल लाइफ। अब सपोज आपने गेम स्टार्ट किया, थोड़ी देर लूट कर रखा, उसके बाद थोड़ी देर शाम होने लगेगी, फिर दोपहर, क्या बोला तूने, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूं, दोपहर, फिर शाम, फिर रात हो जाएगी, फिर बारिश भी होने लग जाती है। आपको ये बात पता थी कि नहीं, मुझे जरूर बताना है। आपको पता है फ्री फायर में बारिश तक होती थी पहले, हाँ, लेकिन रैंक में नहीं होती थी, क्लासिक मोड में होती थी, और बाद में क्लासिक से भी हटा दिया, क्योंकि आप भी जानते हो रात में बंदा अच्छे से वैसे ही नहीं दिखता था, और ऊपर से ग्राफिक में भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा था, उस टाइम इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं थी फ्री फायर की, ये चीज आपको ही पता ही होगी। तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में ये चीज आपको पता थी कि नहीं। एंड मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि पहले बारिश का जो सीन था वो कैसे हुआ करता था। तो कैसा लगा आपको हमारे फ्री फायर का पुराना नज़ारा? भाई क्या ही बारिश होती थी, क्या ही पूरी साउंड आती थी जैसे कि भाई सच में बारिश हो रही है, पूरा रात का सीन, बट ओनली ग्राफिक्स की क्वालिटी के कारण गरीना को उसको हटाना पड़ा। हाँ गाइस, अब हम बढ़ते भाई हमारे वीडियो के सबसे मेन पॉइंट, जो कि नंबर वन होने वाला है। भाई जो नंबर वन चीज़ है ना वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आज के नए बंदे देखेंगे ना, तुम तो भाई गरीना को गाली गाली देने वाले, बट भाई गाली मत देना भाई, उनको माफ़ कर देना, हमने भी माफ़ कर दिया भाई, दो साल हो गए, हम भी भूल चुके, बट भाई तुम भी भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई सच बोल रहा हूँ, ये जो
जो चीज अब करीना ने हटाई थी ना भाई, हर बंदे का दिल तोड़ गया था इस चीज से। अब क्या कर भाई, करीना है भाई, उसकी मर्जी, कुछ भी कर सकता है, उसका गेम है। बट भाई इतना चाहूंगा भाई, ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो चीज क्या थी। बट उससे पहले अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या करो भाई, अब तक वीडियो देख रहे तो भाई वीडियो को लाइक कर दो यार, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, राइट साइड में घंटे चाचा है ना उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, तभी मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ पाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो नंबर वन चीज थी वो आखिरकार ऐसी क्या है जिसने हर बंदे को उदास कर दिया था। तो मेरे भाइयों के जो नंबर वन चीज थी वो ये थी कि क्या आपको पता है, जिस डायमंड्स के लिए आप आज इतना सारा पैसा उड़ाते हो, इतने सारे पैसे अपने खर्च कर देते हो बैजेस, लाइट पैजेस सब में, यही डायमंड जिसके लिए गन्ना ने हर किसी की बैंड बजा रखी है ना, आजकल बहुत ज्यादा केसेस वगैरह हो रहा है, आप लोगों ने तो देखा ही होगा यूट्यूब पे। बट आपको पता है यही डायमंड पहले गन्ना खुद फ्री में दिया करता था। अब आपके मन में सिर्फ एक ही गाली आ रही होगी, उनके नए बंदे के मन में कि भाई तू कितना झूठ बोल रहा है। भाई तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो पुराने बंदे थे वो जानते हैं कि भाई गन्ना पहले डेली एड्स देखने के हमको डायमंड दिया करता था, समथिंग 20 से 25 रुपए एग्जैक्टली अब याद नहीं है। भाई आप आसानी से भाई पूरे दिन वीडियो देख के, मतलब 25 से 30 एड्स होते थे ना, हर दिन एड्स देख के आप आसानी से अपना लाइट पास ले सकते थे। अब बताओ कितनी प्यारी चीज थी, बट गन्ना ने इसको हटा दिया, बिकॉज गन्ना को तो उसका बिजनेस करना था भाई, क्या ही बोल सकते हैं हमारे बारे में, तो कभी गन्ना सोचता नहीं। तो भाई आप खुद सोचो भाई, हम सब तो भाई मेनली बहुत से बंदे ऐसे करते थे भाई जो लाइट पास के लिए टॉपअप नहीं कर सकते, वो सबसे बेस्ट इसी तरीके से लाइट पास लेते थे। कुछ मत करो, आधे घंटे में आप लोग एड्स देख लेते थे भाई, उसके बाद डायमंड क्लेम कर लो। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। तुम सोचो कितना अच्छा तरीका था भाई ये। और आप लोगों को पता होगा आजकल के जो नए बंदे जो पिंक डायमंड है ना, ये पिंक डायमंड के पहले हमारे नॉर्मल डायमंड ही हुआ करते थे, ये चीज तो बाद में लाया गया था, बट अब तो वो भी हटा दिया भाई, गरीना के अलग ही नशे चल रहे। तो भाई आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, आप में से किस किस को इस बारे में पता था, एंड किस किस को नहीं पता था, एंड जिसको भाई पता चला वो तो मुझे गारंटी से पता भाई, शॉक हो गया होगा। तो चलिए भाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड आपका जो भी नया दोस्त है उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि वो भी जान पाए कि भाई पहले गरीना ने क्या क्या कांड किया, और भाई पहले कितनी प्यारी प्यारी चीज हुआ करती। चलो भाई हम मिलते हैं हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में, सभी अपना ध्यान रखना भाई, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें बिल्कुल मत जाना। चलिए हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।